भारत के किस राज्य ने देश के पहले मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन स्टार्ट किया है? भारत के पहले मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने। किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है स्क्वेयर कंपनी ने। हाल ही में हरेला फेस्टिवल किस राज्य ने मनाया है? हरेला फेस्टिवल को मनाया है उत्तराखंड ने। इसराइल में एम्बेसी खोलने वाला पहला गल्फ नेशन कौन बन गया है? इसराइल में एम्बेसी खोलने वाला पहला गल्फ नेशन बना है यूएई। हाल ही में सुरेखा सिकरी जी का निधन हो गया है। सुरेखा सिकरी जी ने नेशनल अवार्ड कितनी बार जीता था? सुरेखा सिकरी जी ने नेशनल अवार्ड जीता था 3 बार। किस कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जीवी के ग्रुप से टेक ओवर कर लिया है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जीवी के ग्रुप से टेक ओवर किया है अडानी ग्रुप ने। 50 सालों में किस देश ने पहली बार भारत में एप्पल्स एक्सपोर्ट किए हैं? 50 सालों में पहली बार भारत में एप्पल्स एक्सपोर्ट किए हैं यूके ने। एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लाइटनिंग स्ट्राइक से सबसे ज्यादा डेथ हुई है? लाइटनिंग स्ट्राइक से सबसे ज्यादा डेथ हुई है बिहार में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है गुरुग्राम में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के किस शहर में एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेशनल पार्क का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में।